दोस्तों, आज मैं आप सबके माध्यम से एक निवेदन करने आया हूं सरकार से कि आज जो हमारे देश के मजदूर, हमारे देश के किसान इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उनके अकाउंट में अविलंब जल्द से जल्द कम से कम 10,000 रुपया डाला जाए, ट्रांसफर किया जाए। दोस्तों, वैसे तो 10,000 कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है, लेकिन आज के इस संकट के घड़ी में, इस कोरोना के महामारी में, उस 10,000 रुपये से हमारे गरीब परिवार, हमारे देश के वो किसान परिवार का जीवन कुछ हद तक संभल सकता है। दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत सुंदर एक फर्स्ट लॉकडाउन में उन्होंने कहा था, बहुत सुंदर वह कहा था कि जान है तो जहान है। उसी चीज को मैं, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए आज फिर मैं सरकार से, मौजूदा सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि सही में जान है तो जहान है, इसलिए यह 10,000 रुपया जल्द से जल्द हमारे उन मजदूर और उन गरीबों के अकाउंट में डाला जाए जो आज के इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते। दोस्तों, कुछ दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत खूबसूरत पैकेज का अनाउंसमेंट किया था जो लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है। दोस्तों, ये पैकेज बहुत अच्छा है, हमारे देश की इससे बहुत अच्छी खासी प्रगति हो सकती है, लेकिन वो प्रगति किसके लिए? जब हमारे देश का दिल, जो हमारे मजदूर, हमारे किसान हैं, वहीं स्वस्थ सुरक्षित नहीं रहेंगे, वो भूखे मर जाएंगे, तब वह प्रगति किस काम का? आज उनको संभालने की जरूरत है। दोस्तों, हम सब जहां पे हैं, अपने जीवन को बिता रहे हैं, जी रहे हैं, हमको ऊपर वाले की कृपा से रोजी रोटी मिल जा रहा है, लेकिन हमारे देश में ऐसे बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। तो मैं आप सबसे एक निवेदन करता हूं, आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इस तरह का वीडियो बनाएं कि सरकार तक यह आवाज पहुंचे और सरकार उन गरीब के खातों में 10,000 रुपये का योगदान करे। दोस्तों, साथ ही मैं उन लोगों को भी यह बात बोलना चाहता हूं जिन्होंने इस टाइप का मुहिम चलाया, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई दल हो या कोई पार्टी हो, लेकिन यह एक अच्छा मुहिम है, इस मुहिम के लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं और इसी के साथ मैं अपने बातों को खत्म करता हूं, समाप्त करता हूं। नमस्कार, जहां भी आप रहें, घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित।